यू ऑल ऑफ यू? एवरीवन इज फाइन। अच्छा, सबने हॉलीडेज में क्या किया? बहुत सारा एंजॉय किया, मस्ती की। अब हम पढ़ाई करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। बहुत मस्ती कर ली हमने मन मन, अब हम पढ़ाई करेंगे। ओके, तो आज हम सीखेंगे, आज हम क्या सीखेंगे? ऊ उल्लू का। क्या सीखेंगे? ऊ। देखिए ऊ होता कैसे है। पहले ये है ऊ। क्या है ऊ? पहले क्या करते हैं, आधा गोला बनाते हैं, फिर आधा गोला बनाते हैं, एक बार आधा गोला, फिर दूसरा आधा गोला, और थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, और इसको बोलते हैं ऊ। क्या बोलते हैं? ऊ। अच्छा, ऊ से कौन कौन सी चीजें होती हैं पता है आपको? ऊ से उपवन होता है। क्या होता है ऊ से? ऊ से उपवन। अच्छा, कि उपवन को इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं। आप सबको गार्डन तो पता ही होगा। उपवन में क्या क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, झूले होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं। आपने देखा है ना, आप सब गार्डन जाते हैं शाम को मम्मी पापा के साथ, तो आप लोग वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, देखा होगा आपने। तो ऊ से उपवन। अब ऊ से उल्लू भी होता है। ऊ से उल्लू भी होता है। उल्लू रात में जागता है। आपको पता है ऊ से उल्लू रात को जागता है और दिन में सोता है। अपन रात में सोते हैं पर उल्लू रात में जागता है। और ऊ से उपहार भी होता है। ऊ से उपहार भी होता है। उपहार हम हमारे फ्रेंड के बर्थडे पे जाते हैं तो लेके जाते हैं ना गिफ्ट, उस गिफ्ट को बोलते हैं उपहार। क्या बोलते हैं? उपहार। ठीक है, आटे पर ऊ उल्लू का लिखना सीखेंगे, क्योंकि पहले हमें आटे पर प्रैक्टिस करना है, फिर कॉपी पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब देखो वर्षा मैम कैसे प्रैक्टिस कर रही हैं। पहले आधा गोला, फिर दूसरा आधा गोला, और थोड़ा सा ऊपर। देखो कितना अच्छा बना है। आधा गोला पहले बनाएंगे, ब्यूटीफुल, फिर स्लोली धीरे धीरे हम दूसरा आधा गोला बनाएंगे। देखा कैसे बनाया? ऐसे ही हम हमारी उंगली से प्रैक्टिस करेंगे। आधा गोला, फिर दूसरा आधा गोला। नोटबुक में लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, 2/4/24 लाइन खींचेंगे, फिर 06/10/2020। फिर हम यहाँ लिखेंगे क से कक्षा, डॉट बनाएंगे, फिर क और आ की मात्रा, कार्य, कक्षा कार्य। फिर इस पेज पर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अ, अ से अभ्यास, फिर क और आ की मात्रा, कार्य, अभ्यास कार्य। अब हम सीखेंगे कि ऊ उल्लू का कैसे लिखना है। हमें ऊ उल्लू का इन दो लाइन के ही बीच में लिखना है। इन दो लाइन के बीच में कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने अभी देखा, जैसे आपने उस पर प्रैक्टिस की थी आटे पर, अब इस पर हम वैसे लिखेंगे पेंसिल से। आधा गोला, एक और आधा गोला। अब इधर धीरे धीरे हम नीचे आके लाइन पे टच करके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और शिरोरेखा बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पहले आधा गोला, फिर से दूसरा आधा गोला बनाएंगे और ऊपर जाएंगे थोड़ा सा लाइन के और शिरोरेखा। ओके, अब आपको कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा लाइन के ऊपर से, हमें स्टार्ट नहीं करना है ऐसे, नहीं आप ऐसे लिखें। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये गलत है, रॉन्ग फॉर्मेशन है। हमें ऐसा बड़ा भी नहीं लिखना है
और ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, नीचे भी नहीं जाना चाहिए। और ये वाली लाइन ऐसे नहीं आप इतनी ऊपर बनाएं, ये भी गलत है इतनी ऊपर। ये लाइन सिर्फ यहाँ तक ही बनेगी, कहाँ तक, यहाँ तक, इसकी लेवल तक बनेगी। ठीक है, एक बार और देखो कैसे बनाना है। आधा गोला बनाया, फिर से एक बार और आधा गोला बनाया, लाइन को छूते हुए ऊपर गए और बस यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है बच्चों, आ गया आपको। अब आप ऐसे ही कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे अपनी, और वन वन लाइन में आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।